हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज योर मेंटर राजेश नागदीवे और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। आफ्टर कंप्लीटिंग डॉट प्रोडक्ट, फिर क्रॉस प्रोडक्ट, देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड नाउ वी हैव कम टू दी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, राइट? सो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दैट, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। हियर ऑल्सो ऑर्डर प्लेज द इम्पॉर्टेंट रोल कि कौन सा वेक्टर फर्स्ट है, कौन सा वेक्टर सेकंड है और कौन सा वेक्टर थर्ड है, उसके हिसाब से ये डिफाइंड हम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर इसको मैंने फर्स्ट लिया, इसको सेकंड वेक्टर लिया, इसको थर्ड वेक्टर लिया और फिर इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया, तो ये हो गया आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, करेक्ट? अब इसमें आप देखेंगे कि मैं सेकेंड और थर्ड वेक्टर का पहले क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है और फिर उस क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आएगा, जो कि एक वेक्टर होगा, उसका हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना है वेक्टर ए के साथ में। तो इसको डिफाइन हम ऐसे करते हैं या रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ए डॉट सी फिर इनटू बी। देखो मैंने क्या बोला, उसको ध्यान देना, ए डॉट सी इनटू बी। ए डॉट सी एक स्केलर क्वांटिटी आएगी और स्केलर को हम वेक्टर के साथ में मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आता है माइनस ए डॉट बी इंटू सी। अब ये बन गया फार्मूला। तो पहले मैंने आपको एक बार बता देना है कि ये बहुत मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये हम आप पहुंचे हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में। नॉर्मली वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बोर्ड लेवल के करिकुलम में नहीं होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो चाहे आप कोई भी बोर्ड्स के हो तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तक के बोर्ड करिकुलम होता है। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एक्चुअली में इन सब के ऊपर ही बेस्ड है, जो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आप लोग पढ़ते हैं चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, बस उसी के ऊपर ये बेस्ड है। मतलब अगर वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी कंपोनेंट फॉर्म में दिए हैं तो ये एक क्वेश्चन बन गया नॉर्मल सा क्वेश्चन की वेरीफाई और प्रूव, करेक्ट? फाइन। तो स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे कि इसको जो डिफाइन किया है उसका क्या तरीका है, उसको पहले आप रिमेम्बर कर लीजिए, मतलब आपके ये ब्रेन में फिट हो जाना चाहिए कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी में मैंने ब्रैकेट लगाया है, मतलब हम पहले इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इसका जो रिजल्ट आएगा उसका ए के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, इसमें ए फर्स्ट वेक्टर होगा, ठीक? फाइन। तो ये कैसे डिफाइन हो रहा है, ए डॉट सी इंटू बी। याद रखना यहाँ पे कोई साइन नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो पहले इसको देखते हैं, तो भाई ये तो स्केलर है, ठीक है? तो फिर ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा हो गया वेक्टर, ठीक? ये वेक्टर हो गया, ठीक है साहब? फिर इसको देखते हैं, ये तो स्केलर है, स्केलर से मल्टीप्लाइड कर रहे हैं वेक्टर को, तो ये पूरा क्या हो गया, ये भी वेक्टर हो गया। और वेक्टर को अगर वेक्टर से सब्ट्रैक्ट करोगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, वेक्टर, करेक्ट? तो इस प्रकार से ये बात समझ में आ गई कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है? ठीक है साहब, नंबर वन पॉइंट क्लियर हो गया। इसको डिफाइन कैसे कर रहे हैं, वो ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी, करेक्ट? हाँ। तो ये डॉट प्रोडक्ट कहाँ लगाना है, अगर गलती से आपने यहाँ डॉट प्रोडक्ट कर लिया तो वो तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया, वेक्टर अलजेब्रा आपने समझी ही नहीं है, इसका ये मीनिंग होगा। इसीलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना, जो कि एक स्केलर है और स्केलर क्वांटिटी का वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट नहीं होता, सिंपली मल्टीप्लीकेशन होता है, व्हाट द पॉइंट? तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो इसीलिए ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। और अब इसके ऑर्डर के बेस पे ही कैसे हम रिमेम्बर रखेंगे उसको मैं बता रहा हूं। देखो क्या हो गया कि ए और फिर सी का डॉट लिया है, मतलब ए से जो दूर है उसका डॉट लिया है और फिर इंटू बी। और यहां देखो यहाँ पे ऑर्डर मेंटेन है, ए बी सी, मतलब ए डॉट बी इंटू सी। देखिए सबके अप अपने तरीके होते हैं किसी फॉर्मूले को रिमाइंड करने के, मैं अपना तरीका बता रहा हूं आपको, आप जैसे चाहे वैसे रिमाइंड कर सकते हैं, करेक्ट? तो जैसे मैं आपको बोला कि ए, फिर ये जो दूर का वेक्टर है उसके साथ में डॉट और फिर ये बीच वाला वेक्टर बी, फिर माइनस में एज इट इज ऑर्डर मेंटेन कर लेना, ए डॉट बी इंटू सी, फाइन। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी आ गई है, ये बात हमको समझ में आ गया।
बस इस फार्मूले को याद रख लीजिए और फिर इस फार्मूले के ऊपर ही आपको मेंस लेवल पे बहुत आसान से क्वेश्चंस लगातार 2-3 साल आए भी है, और उनमें सिंपली ये फार्मूला अप्लाई कर दिया और कंपेरिजन का कॉन्सेप्ट लगा दिया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो वो प्रॉब्लम्स कॉन्सेप्ट तो स्ट्रेट फॉरवर्ड में पहले प्रॉब्लम पे ही आता हूं। ये प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स जो कि बिल्कुल जो डेफिनेशन है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का उसके ऊपर बेस्ड है, और ये मेंस लेवल पे बहुत बार मतलब ये प्रॉब्लम नहीं आया, इससे मिलता जुलता प्रॉब्लम जो अभी हम लोग देखेंगे इस वीडियो में या तो नेक्स्ट वीडियो में। तो इसमें सिंपली कंपैरिजन करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और सिर्फ आपका डेफिनेशन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का प्रॉपर लगा देना। और मैंने जैसे बोला था कि कॉमन एरर क्या होता है, एक तो पहली बात इतने दूर तक अगर बच्चा पहुंचा नहीं है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तक के रुक गया है तो ये प्रॉब्लम आसान से नहीं बनेगा, मतलब ये भी वो ओनली 15 सेकेंड्स का प्रॉब्लम है। और अगर आपने यहाँ तक पहुंच लिए तो वो डेफिनेशंस को प्रॉपरली आपको रिमाइंड करके रखना पड़ेगा, वहां पे भी जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया रिमाइंड करने का, और कॉमन एरर के साथ जहाँ पे आप गलत कर सकते हैं वो बताया, वो आपको इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये क्वेश्चंस यहाँ पे इफ ABC आर 3 नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर्स, तो ये यूनिट वेक्टर्स है मतलब इनका मैग्नीट्यूड तो 1 है, एक तो चीज यूनिट वेक्टर। फाइन सच दैट A×B×C √2 वेक्टर B+ वेक्टर C, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन करेंगे और फिर इसके साथ में इक्वेट करेंगे, बस ये काम करना है मुझे। फिर देखना है कि एंगल बिटवीन A एंड B कितना आता है, ठीक है साहब। तो देखो A×B×C ये दिया हुआ है 1/√2, इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये वेक्टर B+ 1/√2 ये वेक्टर C। अब इसको डिफाइन करते हैं, तो अब डिफाइन करने का फॉर्मूला प्रॉपरली लगाइए, A और उसके दूर का वेक्टर C, तो A.C इजंट इट, और फिर यहाँ b, अब यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, ये एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, स्केलर को हम वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, यहाँ आपने डॉट लगा दिया गलती से तो आपका प्रॉब्लम समझ में भी नहीं आएगा, बनना भी नहीं है, और आप वेक्टर अलजेब्रा अच्छी तरह से जानते ही नहीं है, ये बात समझी जाएगी, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया स्केलर क्वांटिटी का वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट नहीं होता है, करेक्ट। फाइन फिर आता है माइनस, फिर ऑर्डर मेंटेन करते हैं A.B और फिर आ गया वेक्टर सी, यस, और फिर ये इक्वल दिया हुआ है वेक्टर बी, और इस प्रकार से। और अब आप देखेंगे ये वेक्टर बी है ये वेक्टर सी, यहां से आप कंपेयर कर सकते हैं, दोनों इक्वल वेक्टर्स है तो यहां से हम कंपेरिजन कर सकते हैं। कंपेरिजन करने पे मुझे क्या मिलेगा, A.C=1/√2 और -A.B=1/√2, गॉट द पॉइंट, करेक्ट है। अब मुझे उस चीज को आगे कंपेयर करना है, बाकी चीज को इग्नोर कर देना है, जहां पे मुझे एंगल ए और बी की निकालनी है तो मैं सीधा इसको ही कंपेयर करूंगा, दिस गिव्स, करेक्ट, दिस गिव्स -A.B=1/√2, या फिर आप बोलेंगे A.B=-1/√2, करेक्ट, ये चीज हो गई बात क्लियर, ये बात समझ में आ गई। अभी A.C=B/√2 है, लेकिन फिलहाल मुझे वहां जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ ए और बी के बीच में एंगल निकालना है, अगर ए और सी के बीच में एंगल निकालता है तो मैं उसको आगे बढ़ा देता था, ठीक। अब इसमें आते हैं, सिंस ए एंड बी आर यूनिट वैक्टर्स, तो फिर अब A.B को कैसे लिखना है ये आप सब लोगों को मालूम है, मैं यहाँ कर देता हूँ। A.B मतलब आपका हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos θ, और ये दिया हुआ है -1/√2, तो ये तो यूनिट वेक्टर हो गए, मतलब cos θ = -1/√2, करेक्ट है क्या। और अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है, ओके साहब। तो cos θ अगर आप देखें तो -cos π/4 ये हो गया। अभी अब इन दोनों को हम इक्वेट नहीं मतलब इक्वल में है, लेकिन ये एंगल्स को इक्वल नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन, तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक के जो कॉन्सेप्ट है वो रोल प्ले करेंगे। तो अब आप देखेंगे कि cos θ जो है वो -cos θ जो है वो cos π − θ के इक्वल होता है, करेक्ट है क्या, क्या हमने प्रॉपर्टी लगाई है ट्रिग्नोमेट्री की कि cos − cos θ इज एक्चुअली
इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा या कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन होते हैं ये आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए। तो अब आप कंपेयर कर सकते हैं, अब आप कंपेयर करेंगे तो थीटा मिल जाएगा आपको। देखो पहले कॉस थीटा इज इक्वल टू लिख दो कॉस थ्री पाई बाई फोर, और यहां से मुझे थीटा मिल गया थ्री पाई बाई फोर, तो फाइनली आपका आंसर आ गया थ्री पाई बाई फोर। कितना आसान सा क्वेश्चन है, और इसके ऊपर आप मेंस लेवल पे 15 में क्वेश्चन देखेंगे, 16 में क्वेश्चन देखेंगे, और भी ऐसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में, सबको छोड़ देता है, डॉट प्रोडक्ट छोड़ देता है, क्रॉस प्रोडक्ट छोड़ देता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट छोड़ देता है, और फाइनली वो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे एक आसान सा क्वेश्चन देता है जो सिंपली इसके डेफिनेशन के ऊपर रहता है, सिंपली डेफिनेशन के ऊपर में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा इसका डेफिनेशन। अब इसको मैं कुछ चीज़ों को आगे डिस्कस करता हूँ जो इससे प्रॉपर्टीज से रिलेटेड होगी, उसको चेकआउट करते हैं। अब देखो वो हर कोशिश करेगा आपको कंफ्यूज करने का, तो कैसे कि जैसे आपने ये डेफिनेशन देखा कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और आपने इसमें ब्रैकेट लगा दिया, तो ये तो बन गया आपका, क्या बन गया ये ए, अब आपको याद हो गया होगा ये रूल ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी, ये रूल याद हो गया, ठीक है साहब। अब आपने ये रूल तो याद कर लिया, कोई इश्यू नहीं है। वो आपको ऐसे पूछेगा, वो क्या करेगा ए क्रॉस बी का पहले ब्रैकेट लगा देगा, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका सी के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट, अब इसका क्या रूल बनेगा। हाँ तो अब यहाँ पे भी आपको इश्यू आ गया कि अगर आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये वाला रूल लगा दिया है तो आप उसको सही तरीके से लगा रहे कि नहीं लगा रहे, वो देखना है, तो वो भी मैं बताता हूँ आपको। चलो ठीक है, आप एक काम करो, इसी रूल को याद रखिए, फिर बाद में इसके बेस पे मैं दूसरा रूल बना के आपको इसको बता देता हूँ। तो मैक्सिमम टाइम पे क्या करेगा वो, जानबूझ के ये वाला क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इसको वो पूछने की कोशिश करेगा। तो कैसा हो गया ना, अब आप एक काम करो, इसको तो याद रख लिया, तो इसी के साथ में सॉल्व करो, तो ये तो हो जाएगा माइनस, और ये बन जाएगा सी क्रॉस ए क्रॉस बी। अब आप देखिए, अब आप उसी पैटर्न में आ गए, इसी पैटर्न में आ गए कि नहीं। हाँ, तो अब इसको ऐसे करो माइनस, अब ये क्या हो जाएगा सी डॉट बी, और बीच वाला वेक्टर माइनस, ऑर्डर मेंटेन करके सी डॉट ए इंटू बी, ठीक है। ये जो रूल आपने अभी याद किया था उसी को अप्लाई कर दिया इसमें, तो आपका वो रॉन्ग जो होने वाला कॉमन एरर है वो हट जाएगा, ठीक है साहब। अब आप माइनस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये माइनस वाला माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये सी डॉट ए और फिर ये बी, और ये माइनस सी डॉट बी और फिर ये वेक्टर ए, फाइन, ये हो गया। तो अब आप क्या करो ना कि इसको भी अगर आपके पास में कोई फंडा है जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं इसके रूल को याद करने का, तो आप उसको अप्लाई करेंगे। अब मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि एक्चुअली में जैसे हमने उसको रिमाइंड किया था इसको भी रिमाइंड कर सकते हैं सेम वे में। कैसे, देखो सी पहले वेक्टर रहेगा, जैसे यहाँ पे ये वेक्टर पहले से था, तो सी का दोनों के साथ में डॉट प्रोडक्ट सी डॉट ए, और ये बीच वाला वेक्टर, सेम रूल करेक्ट, माइनस फिर ऑर्डर को मेंटेन कर लो, ऑर्डर अब इस बार ऐसे चलेगा, उल्टा चलेगा, ऑर्डर को मेंटेन किया मतलब सी डॉट बी इंटू ए, करेक्ट है क्या। तो अब इसमें भी वैसे ही आप इसी वे में आप इसको रिमाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आप देख लेंगे कि दोनों फॉर्मूलेस को आपने कैसे रिमाइंड कर लेना है, ठीक है। तो रिमाइंड करने के लिए एक बार फिर मैं इस फार्मूले को बताता हूँ, आपको प्रूफ करने का तरीका बता दिया, अगर एक ही फार्मूला याद है तो दूसरे को कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको इसको ही बताता हूँ। यहाँ पे भी वही पैटर्न चल रहा है, क्या चल रहा है कि सी का डॉट प्रोडक्ट उससे दूर वाले वेक्टर का और फिर बीच वाला वेक्टर, इस बार इस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, फिर इस डायरेक्शन का ऑर्डर मेंटेन कर लो सी डॉट बी और ये वेक्टर ए, हो गया। तो ये दोनों रूल्स आपको रिमाइंड करके रख लेना है, बस इसके कंपैरिजन पे ही मेंस लेवल पे क्वेश्चंस आ रहा है, तो ये बात तो हो गई स्टूडेंट्स, ठीक है, ओके फाइन। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में आपने इन दोनों फॉर्मूलेस को जो डिफाइन किया है उसको अगर आपने सही तरीके से रिमाइंड कर लिया तो फिर इसके क्वेश्चंस आप कर सकते हैं मेंस लेवल पे बहुत आसानी से, करेक्ट है। अदरवाइज कॉमन एरर कहाँ हो सकते हैं उसको मैंने बता दिया है आपको। अब इसकी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे, अगर प्रॉपर्टीज को
आपने और अंडरस्टैंड कर लिया, तो आप फिर अब आगे धीरे धीरे इसके एडवांस लेवल के ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी तो आपने देख ही लिया है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी आने वाली है, करेक्ट है कि नहीं? ठीक है साहब, तो एक काम करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज को मैं इसके नेक्स्ट वीडियोस में आपको डिस्कस कराता हूँ, ठीक है।